today we are going to learn in English Major Dhyan Chand, lesson number 7. Okay, see, Saturday 15th August 1936, it was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. See, according as we know the name of the lesson, we came to know that today we are going to learn someone about who is a Major Dhyan Chand. किसी के बारे में हम पढ़ेंगे जो Major Dhyan Chand है. बट Major के नाम से आपको लग रहा होगा कि ये सोल्जर है, बट ये सोल्जर नहीं है, ये प्लेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या बता रहा है, 1936 की स्टोरी बता रहा है, 15 अगस्त की. एंड इट्स अ हॉकी फाइनल, हॉकी का फाइनल है और जर्मनी बर्लिन में हो रहा है ओलंपिक गेम. और जर्मनी हैज़ डिफीटेड सेवरन टीम टू एंटर द फाइनल अगेंस्ट द इंडियन टीम. इंडियन टीम के अगेंस्ट एंटर करने के लिए जर्मनी ने बहुत लोगों को डिफीट किया था. दे वर द होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स. लोग कौन थे, होस्ट थे. होस्ट मतलब क्या है, कोई भी इवेंट को मेहमान नवाजी करने वाला, उसको होस्ट बोलते हैं. एक मेहमान होता है और एक मेहमान नवाजी करता है. जो मेहमान नवाजी करता है वो होस्ट होता है. ओके, एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री. उन लोगों को अपनी जीत की 100% श्योरिटी थी. परहैप्स दैट वॉज द रीज़न वाई देयर रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच. कब की नाम मैच है ये, जब रूलर हिटलर था और वो मैच देखने खुद आया था. ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हैविली, द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉज. बट 15th August बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. क्या हुआ, एक दिन पहले बहुत बारिश हुई और पूरा जो गेम है, पूरी जो स्टेडियम है वो पूरा पानी पानी भर गया. और जिस बट ये लास्ट डे था, इसीलिए ये नहीं हो पाया कि इस गेम को पोस्टपोन किया जाए. और जो इंडियन टीम है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस मैच हार चुका था. ओके, और इंडियन टीम कंफर्टेबल भी नहीं था वेट ग्राउंड पर खेलने के लिए. अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम टू चीयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया. सी, जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए 40,000 लोग थे वहाँ पर. ओके, द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड फ्यू अदर इंडियंस हैड ऑल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम. ये जो बड़े बड़े लोग हैं इंडिया के, वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे. द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवेल स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासिस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ. दे हैड सॉर्टेड टू अ वेरी अग्रेसिव प्ले. द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. 11 बजे मैच शुरू हो गया और जो नोवेल स्ट्रेटजी थी उन लोगों ने वो यूज़ किया इंडियन टेक्निक के अगेंस्ट, छोटे से डिस्टेंस में शॉर्ट डिस्टेंस पासिस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ. दे हैड रिसोर्टेड टू अ वेरी अग्रेसिव प्ले. और बहुत ही जोश के साथ वो लोग गेम खेल रहे थे. और उन लोगों को कांटे की बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मीन्स कांटे की टक्कर दे रहा था इंडिया डेट टाइम. नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एन आवर. दोनों में से कोई टीम पहले जो आधा घंटा है उसमें किसी ने भी गोल नहीं कर पाया. ड्यूरिंग द 32nd minute रूप सिंह स्कोर द फर्स्ट गोल, हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट एंगल. रूप सिंह ने 32nd minute, मतलब आधा घंटा हो गया, उसके 2 मिनट में के अंदर अंदर एक गोल किया और वो भी बहुत ही डिफिकल्ट एंगल से किया. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फॉर्म फुटिंग. द एंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more goals अगेंस्ट जर्मनी. और एक टीम के जैसा सबने खेला, और सबने जब एक टीम के जैसा खेला आगे उन लोगों ने क्या किया, और 3 goals उन लोगों ने जर्मनी के अगेंस्ट मार दिए. 2 of them were made by कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम Dhyan Chand. ओके, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम एट जर्मनी इन ओलंपिक्स इन 1936. ओके, हाउएवर द गेम जर्मन प्लेयर वर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन. दे टू सक्सीडेड इन मेकिंग गोल. Now only a few last minutes were left. Dhyan Chand had resolved to win. अब क्या हुआ, थोड़ा सा ही टाइम बचा था. कुछ गोल्स जर्मनी ने भी बनाए थे और अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा था. द मैच हैड एनी कॉस्ट विदाउट अलाउंग जर्मन टू मेक एनी मोर गोल्स. ही स्पाइक शूज वर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड.
अब इन लोगों को जो है डिफ़िकल्ट हो रहा था रेड ग्राउंड पे भागने के लिए, क्योंकि उनके जो शूज़ होते हैं वो स्पाइक्ड होते हैं ना, आपने देखा होगा, नीचे से थोड़े थोड़े कांटे जैसे दिखते हुए। ही रिमूव द शूज़ एंड द सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयर फुट। उन्होंने क्या किया, अपना शूज़ भी निकाल दिया, सॉक्स भी निकाल दिया और बेयर फुट वो भागने लगे बिगेयर शूज़ के। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम ही बिगेन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर टू प्लेयर इन द डी दैट इज इन द डिफेंडर्स और ओपोनेंट्स एरिया फ्रॉम देयर वेयर दे कुड मेक अ गोल्स। फिर वो लोग क्या करने लगे, अपने ही टीम वालों को एक के बाद एक के बाद, आपने चक दे इंडिया देखी होगी ना, उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग सिर्फ अपनी टीम को ही वो लोग बॉल पास कर सकते हैं और जो डिफेंडर मतलब जो ओपोनेंट का जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर उन लोगों को बॉल पास करना होता है और वहीं पर गोल होता है। ठीक है, टीम के जो पीछे गोल होता है वो गोल ऑपोजिट वालों का होता है और हमारा गोल सामने वाली टीम के ऑपोजिट में होगा, तो हमको जब गोल करना होगा तो हम सामने जाएंगे। ओके, दे टू डिड नॉट लेट द पासिस टू गो वेस्ट। द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 more goals। ध्यानचंद कुड हैव इजिली मेड द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजिशन बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम। वो अपनी जगह से खुद अकेले गोल मार सकते थे बट उन्होंने सेल्फिश गेम नहीं खेला, उन्होंने पूरी टीम को चांस दिया बिकॉज ही वॉज अ कैप्टन। दिस इज कॉल्ड अ प्योर लीडरशिप। स्किलफुली ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स एंड मेक इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल्स। ओके, स्किलफुली क्या हो गया, उसने बॉल जर्मन डिफेंडर से अलग कर लिए। द जर्मन स्ट्रेटजी हैज़ प्रूव फ्रूटलेस। अ डिफीट स्टेट देम इन द फेस। सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर्स देन रिसोर्टेड टू अ रफ गेम। अब ये जो इन लोगों की जो स्ट्रेटजी थी जर्मन की वो फ्रूटलेस मतलब कुछ काम नहीं आ रही थी, उन लोगों को अपने सामने हार नज़र आ रही थी, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो क्या करने लगे, अब रफ गेम खेलने लगे। आपने ये चीज़ वो मूवी में भी देखी होगी, वहाँ पर भी कोई एक टीम आती है जो फिर उन लोगों को हॉकी से मारने लगती है। सो दिस इज़ द गेम और गेम में ऊपर नीचे होता रहता है, हार जीत लगी रहती है। द जर्मन गोलकीपर पाउंस ऑन ध्यानचंद एंड हर टीम। सी आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली, उसमें भी शायद जर्मनी ही टीम होती है वो मूवी में भी, जो वो लोग हर्ट करने लगते हैं हॉकी से, वो लोग मारने लगते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं उनको इंजर्ड करने लगते हैं, इंजर्ड जो प्लेयर्स है वो टीम के बाहर हो जाता है और जो सामने जो हमारी जो अपोजिट टीम होती है अगर उसका सबसे अच्छा प्लेयर ही इंजर्ड हो जाए तो टीम के हारने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस वॉज देयर ट्रेजेडी बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर। आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमीजिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम। बट उन्होंने क्या किया, हिम्मत करी, थोड़ा सा फर्स्ट एड यूज़ किया और वापस टीम वापस आ गए। एट लास्ट ही स्कोर द लास्ट गोल ऑफ द मैच। जस्ट एज द गेम ड्रिव टू अ क्लोज द इंडियन टीम हैड वोन थर्ड टाइम इन अ रो। इट वॉज अ हैट्रिक। इंडियंस वर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। उन्होंने लास्ट अपना जो गोल है वो अटेम्प्ट किया और इंडिया जीत गई और इंडिया ये तीसरी बार वहाँ का जो ओलंपिक है वो जीत रही थी हॉकी में। यू नो ओलंपिक इज अवर नेशनल गेम राइट। ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद्स गेम। इट इज सेड दैट जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद हायर सैलरी एंड रैंक इन द जर्मन आर्मी इफ ही अग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी। हिटलर ने मतलब हिटलर जो वहाँ का रूलर था उस टाइम पे, उसने क्या किया, देखा जबकि जर्मनी हार रही है उसने मैच अपना जो ग्राउंड है वो छोड़ दिया। ओके, और ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद, इतना वो इम्प्रेस हो गया था ध्यानचंद की गेम से कि उसने उनको सैलरी ज़्यादा देने की उनको लालच दिया और बुलाया उनको अपनी जर्मनी टीम में। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, उन्होंने मना कर दिया। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। अब उन्होंने उनके खिलाफ वो मैच जीता था, वो वहाँ के होस्ट थी जर्मनी और जर्मनी का जो डिक्टेटर है, डिक्टेटर मीन्स जो वहाँ का उस टाइम पे रूलर था वो हिटलर था। देन ऑल्सो ही गेव द गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ अवर नेशनल स्पोर्ट। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of ध्यानचंद further and will great glory of our India. See, ये जो मेजर ध्यानचंद हैं इनका बर्थडे 29 अगस्त को आता है, ये ऑल ओवर इंडिया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनके नाम से एक स्टेडियम है ध्यानचंद स्टेडियम
एंड इफ यू पीपल विल ट्राई एंड इफ यू गॉड नोज कौन कितने अच्छे से ट्राई करेगा और इनकी तरह से हमारे देश का नाम रोशन करेगा. बाय बाय.